अच्छा यहाँ पे फिर से दो कंक्लूजन दिए गए हैं, स्टेटमेंट S1 S2, और उनका अपने को कंक्लूजन देना है। S1, twice the weight of Sohan is less than the weight of Mohan, या that Rohan, मतलब अगर twice the weight of Sohan is less than weight of Mohan, Mohan के वेट से कम है, twice the weight of Sohan is less than Mohan, पहला स्टेटमेंट S1 जो है वो आपको ये रिप्रेजेंट करना है। अच्छा यहाँ से एक बात तो कंक्लूजन है, अगर twice the weight इससे कम है तो that means S is also less than M, और twice the weight इससे कम है that means S is also less than R, तो ये हो गया आपके पास S is less than M and S is less than R, तो ये पहला बन गया। सेकेंड वाले एक्सपोन में देखते हैं S2 में क्या कह रहा है। S2 ये कह रहा है twice the weight of Rohan is greater than weight of Mohan, मतलब twice the weight of Rohan is greater than weight of Mohan or that so on. तो यहां से आपको कंक्लूजन निकाल सकते हो, नहीं, लेकिन अच्छा twice the weight इससे कम था यहां से निकाल लिए, लेकिन यहां से हम अपना कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते क्योंकि twice weight larger है, तो हो सकता है maybe it's bigger than Mohan या maybe it less than Mohan, weight of Mohan, तो ये यहां से अपने पास दो कंक्लूजन निकला। अब हम ऑप्शन पे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, तो यहां से करेक्ट क्या, वेट ऑफ मोहन इज ग्रेटेस्ट, नहीं यहां से हम कंक्लूजन निकाल लें, सेकंड वाले से कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहा, वेट ऑफ सोहन इज ग्रेटेस्ट, नहीं, वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट वेट का हमारे पास कंक्लूजन नहीं निकल रहा, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, डी ऑप्शन बचता है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, वेट ऑफ सोहन, देखिए सोहन मोहन से भी स्मॉलर है, सोहन का वेट मोहन के वेट से भी कम है, सोहन का वेट रोहन के भी वेट से कम है, तो इसका मतलब एस क्या है उससे कम होगा, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, वेट ऑफ सोहन इज लेस्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेते जाइए पैसेज है, हाँ नीचे कीजिए, करते रहिए आप, तो नीचे कर दीजिए इसको, और नीचे कीजिए, और नीचे, और नीचे, और नीचे, नीचे कीजिए, हाँ नीचे कीजिए, ओके रहने दीजिए, रोक दीजिए, रोक दीजिए, रोक दीजिए, रोक दीजिए, ओके। नहीं ये क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एक्स इन द सीक्वेंस, यहाँ पे देखिए इसमें हम एक पहले एडिटिव समेटिव पे देखते हैं, ये से ये माइनस करें तो -3, यहाँ पे -5, फिर 124 से यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास -7, -11, -30, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 3, 5, 7, 11, 30, दैट मीन दिस इज अ प्राइम नंबर, तो सो 93 माइनस अपन क्या कर देंगे यहाँ पे -15 ना करके -17 करेंगे, और 93 -17 क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ए बॉल क्लॉक मूव 10 मिनट फास्ट इन एवरी 24 आवर्स, अच्छा कभी कभी घड़ी जो होती है वॉच वो 10 मिनट फास्टर चलती है, जैसे यहाँ पे दिया है कि एक बॉल है वो 10 मिनट फास्ट हो जाती है हर एवरी 24 आवर पे, तो अगर मंडे के 8 AM पे ये है तो वेनसडे के 6 PM पे वो एक्चुअल टाइम क्या होगा, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है बस, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, तो मंडे टू ट्यूजडे में हम देखते हैं, ट्यूजडे में यहाँ पे कितना आवर्स होता है 24 आवर्स, और ट्यूजडे टू वेनसडे में भी हम यहाँ पे आते हैं 8 AM पे, तो यहाँ पे कितना होगा 24 आवर, तो यहाँ पे 24 आवर मतलब कितना बच जाएगा 10 मिनट, और यहाँ पे 24 आवर मतलब कितना जाएगा 10 मिनट, तो 20 मिनट हो गया। अब 8 AM टू 6 PM के बीच में टोटल आवर कितना होता है 10 आवर, अच्छा एक यहाँ से अप्रोक्सीमेट ऐसे ही सोचते हैं ना, 24 आवर में अगर 10 मिनट मूव कर रहा है, 24 आवर में 10 मिनट मूव कर रहा है, तो 10 आवर में कितना मूव करेगा, तो 10/24 × 10, तो दिस मीन्स 100/24, ये क्या हो जाएगा 4 पॉइंट अप्रॉक्स होगा, तो देखिए 20 मिनट तो यहाँ पे ऑलरेडी आगे चल चुका था और यहाँ पे 4 मिनट और आगे चल गया, तो आपके पास 20+4 कितना हो गया 24 मिनट आगे चला गया, तो आपके पास अगर 6 o'clock बज रहा है तो इसमें से आपने 24 मिनट माइनस कर दिया और डेट्स आंसर विल बी 5:36 PM। ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन है, इफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
of a proper fraction increased by the same positive constant, which is greater than 0, the resulting fraction. Acha, koi bhi do number hai, A, B. A is also greater than 0, B is also greater than 0. So A, B, isme se aap koi bhi x add kar do, to kya, ye resulted digit kya ho jayega? Chaliye, apan ko nahi pata, apan koi chota sa example le lete hai. Jaise 1 by 2 hai, to 1 by 2 aapke paas value kitni dega? 0.5 dega. Humne isme 4 plus 4 add kar diya. To 4, 1, 5, 4, 2, 6. Aapke jo marji, wo add kar lijiye. To yahan pe kitna ho jayega? 0.8. तो ये वैल्यू क्या हो गई, इससे लार्जर हो गई, सॉरी ये वैल्यू क्या हो गई, इससे लार्जर हो गई, तो ये क्या देगा, ऑलवेज ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रैक्शन. क्या देगा, ऑलवेज ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रैक्शन. आप कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं इस कंडीशन पे, कोई भी कोई वैल्यू लेके आप करके देखिए, तो आपके पास यही वैल्यू आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके ओके, जरा नंबर सीरीज को ध्यान से देखिए. सब स्क्वायरिंग फॉर्म में आपको याद होगा, ये 2 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये क्या है, 6 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर. अच्छा चलो ध्यान से देखिए, 2 4 6 8 और यहां पे 14 12 10 मींस ये से ये प्रोसीड हो रहा है 2 का और 4 टू 6 भी प्रोसीड हो रहा है, जबकि 14 टू 12 क्या हो रहा है, -2 स्क्वायर, मींस 2 का स्क्वायर कम हो रहा है. तो यहां पे 10 का स्क्वायर, तो यहां पे क्या होना चाहिए, 8 का स्क्वायर होना चाहिए. दैट इज आंसर विल बी 8 का स्क्वायर 64. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 कैन रीड फ्रेंच, 8 कैन रीड इंग्लिश. दैट मींस 7 ये फ्रेंच है, ये इंग्लिश है, और 3 ऑफ देम कैन नाइदर रीड. अच्छा 7 इतने में है, तो यहां पे कोई कॉमन भी होगा, और यहां से यहां तक में कितना है, 8 है. तो ये मान लेते हैं अपन फ्रेंच है और ये इंग्लिश है. अच्छा ये क्वेश्चन जो आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन एक सॉल्व किया था, साइट सीइंग शॉपिंग वाला, और उसके बाद ये कर रहा हूँ. दोनों में वेन डायग्राम लग रहा है, क्योंकि ये वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा. तो उसने पूछा क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज. 7 कैन रीड फ्रेंच, दैट डज नॉट मीन कि 7 पीपल कैन नॉट रीड इंग्लिश. 7 पीपल, सम पीपल इन फ्रेंच, सम पीपल विच कैन रीड फ्रेंच एज वेल एज इंग्लिश ऑल्सो. तो सो वी नो द वैल्यू ऑफ दिस, then we find the value of exactly one language reading person. तो आपके पास यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, लेकिन यहाँ पे total 3% तो वो कुछ नहीं पढ़ रहे, तो आपको यहाँ पे total कितना पढ़ना चाहिए था, 12. तो 8 plus 7 कितना होता है, 15. 15 में से मैंने 12 minus कर दिया, तो क्या आ गया, 3. तो मैंने यहाँ पे क्या रखा बीच में, 3. और यहाँ पे क्या रखा, 5. यहाँ पे 4. तो 4 plus 3, sorry, ये 5 है. 5 plus 3, 8 people will read English, and 4 plus 3, 7 read French. So 4 plus 3, 7, 5 plus 3, 8. So unne ye pucha hai ki will the number of people who can read exactly one language. So 5 plus 4, that is 9. Next question. A printer number of page starting one user itna digit. अच्छा यहाँ पे देखिए, 1 से कोई नंबर पेज यूज कर रहा है, वो डिजिट के अकॉर्डिंग चलता है. जैसे 99 2 डिजिट, 108 3 डिजिट, 1000 मतलब 4 डिजिट, क्योंकि उसमें 1000 तो 4 डिजिट, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे. तो अपन इस तरह से कैलकुलेट करके देख लेते हैं ना, 1 टू 9 है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है 9, तो ये कितना हो गया, 9 डिजिट हो गया. अच्छा 10 टू 99 ये कितना डिजिट हो जाएगा, 90 डिजिट हो जाएगा. अब 100 टू 999 यहाँ से कितना डिजिट हो जाएगा, 100 to 999 होता है और 3 डिजिट है, तो टोटल डिजिट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 90 है, इंटू 2 180 करना है, और यहाँ पे टोटल डिजिट 900 है, तो 982 27. हम इसको एक बार जोड़ लेते हैं, तो 2789 आता है. आपके पास टोटल यूजर डिजिट कितनी है, 3089. तो आपने क्या किया, 3089 में से इसको माइनस कर दिया, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 200. ओके, तो आपसे ये पूछा हाउ मेनी डज द बुक, तो मैंने यहाँ पे 999 तक आपके पास टोटल कितनी थी, 289, लेकिन आपके पास अभी भी रिमाइंडर कितनी बच रही है, 200. तो हम 200, आप जो 999 के बाद डिजिट आती है वो क्या आती है, 1000. ये कितने डिजिट से कंसिस्ट है, 4. तो हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो कितने आएगा, 50 नंबर, 50 नंबर. तो 50 नंबर आपने इसमें ऐड कर दिया, किसमें ऐड कर दिया, 2 2 8 8 इसमें 999 के आगे. तो
तो यहाँ पे आपने जैसे 15 इसको आग किया तो ये आपके पास आ गया 1049, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया 1049। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म गिन लीजिए ना, 1 2 3 4, इस तरह के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं ना, पहले गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15, तो यहाँ पे टोटल कितनी है 5, इसका प्राइम फैक्टर ऐड कीजिए 3 × 5, लार्जर से लोअर पे चलना रहता है। तो जैसे अपन ने 5 का एक बार सीरीज बनाया तो 1 2 3 4 5, मतलब ये सीरीज बन गया 1 2 3 4 5, ये सीरीज बन गया, ये हो गया 5 नंबर की सीरीज बन गई तीनों। अब यहाँ पे देखो डबल सी है तो यहाँ भी मैंने डबल सी लिखा, डबल ए है तो यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी है तो देखिए सब जगह रिपीट हो रही थी तो यहाँ डबल बी लिख दिया, इस तरह से क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा, सी बी बी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह फैमिली हैज टू चिल्ड्रन अलोंग विद देयर पेरेंट्स, द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50 kg, द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52 kg, इफ द वेट ऑफ द फादर इज 60 kg देन व्हिच इज द वेट ऑफ द मदर। अच्छा देखिए एवरेज ऑफ टू वेट, तो मैंने चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन पे मैंने C2 लिख दिया दोनों को, एंड देयर मदर इज 50 kg, मतलब उसकी मम्मी और उसका वो, तो यहाँ पे 3 इक्वल टू कितना है उसका एवरेज, ये तो आपके पास C2+M क्या आ जाएगा 53 जा 150, इसी तरह C2+फादर का भी निकाल लें एवरेज, एवरेज 52 दिया है तो 3 × 2 = 6, 3 × 15, तो अपन इसमें से इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -M+F = -6, दैट मीन्स F - F = 6, तो फादर माइनस मदर का एज कितना है 6, देन व्हाट इज द वेट ऑफ द मदर। अच्छा ये दिया है जबकि फादर का एज यहाँ पे दिया हुआ, फादर का एज क्या दिया हुआ है 60, तो 6 इधर ले आइए, मदर का एज इधर कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा आपके पास 54, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 60 - 6 = 54। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। ओके सपोज यू हैव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रुपी करेंसी इन 3 डिनोमिनेशन, 1 rupees, 10 rupees, 50। अच्छा आप मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए हैं, आपके पास 107 rupees के लिए आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, जिसमें 50 rupees का लिए बहुत है, 10 है, 1 है, लेकिन आपको 107 पे करना है, तो आप कैसे पे करेंगे। तो हमने क्या किया, हम सबसे पहले 50 से स्टार्ट करते हैं, हम दो बार 50 लेते हैं, तो अगर हम दो बार 50 लेंगे तो 10 हमें लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, 10 को लेने की जरूरत पड़ेगी, फिर 7 × 1 कर देंगे। इसी तरीके से हम 50 को 1 बार लेते हैं, अगर 50 को 1 बार लेंगे तो हमें 10 लेने की जरूरत पड़ेगी शायद, हाँ तो 10 × 1, और फिर 10 × 1 ले लिए, 10 × 5, 10 × 5 = 15 + 7, इसी के मुताबिक अपन चलेंगे तो 4 3 2 1 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 67, तो 0 1 2 3 4 5 ये आ गया। अच्छा अब यहाँ पे देखें 10 का, तो 10 में अपन क्या करते हैं, आप 50 अपन 8 भी नहीं लेते, 15 × 0 लेते हैं, 10 से शुरू करते हैं, तो 10 × 10 से शुरू करते हैं, तो 10 × 100 + 7, 107 हम पे करेंगे, तो इसी तरीके से चलेंगे 10 × कहाँ तक, 10 × 0 तक, तो 0 से लेके 10 तक अपन चले, तो यहाँ पे आपको कितना पे करना पड़ेगा ये 107 तक, तो ये टोटल कितनी डिजिट हो गई 10 + 1 = 11, और यहाँ पे ये कितनी डिजिट हो गई 11 + 6, तो 11 = 6 = 17 + 1 ले लिए, तो कितना हो गया इसका आंसर 18। इस तरह से आपको अरेंज करना है, उतना आपको कैलकुलेट नहीं करना, बस यहाँ से इसको इस वैल्यू में इसी फॉर्म में आप इसको लिख दीजिए, वो सॉल्व होगा, आप अगर उतना लिखने जाएंगे तो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ए स्टार्टेड हिज हॉर्स एंड वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स हिज वेयर हिज फ्रेंड बी जॉइंड हिम, ये एक्चुअली ये बी दिया हुआ है, बी ज्वाइन हिम, दे टुगेदर वॉक 10 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, देन ए टर्न लेफ्ट, बी टर्न राइट एंड ट्रेवल 2 मीटर 8 मीटर रिस्पेक्टिवली, अगेन बी टर्न लेफ्ट टू ट्रेवल 4 मीटर 5 मीटर टू इज राइट टू रीच योर ऑफिस, ए टर्न राइट ट्रेवल 12 मीटर टू रीच योर, व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू। अच्छा देखिए ये डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, जरा ध्यान से अपन बनाते हैं, ए स्टार्ट फ्रॉम एट बाथरूम टू वर्क, अच्छा ए यहाँ से चलता है और कहाँ पे पहुँचता है, ईस्ट पे पहुँचता है 20 मीटर, उसके बाद वेयर इज फ्रेंड बी इसको ज्वाइन कर लेता है यहाँ से, दे टुगेदर वॉक 10 मीटर, वो यहाँ से कितने चलते हैं 10 मीटर चलते हैं,
उसके बाद देन ए टर्न लेफ्ट, तो ए किधर टर्न लेफ्ट ले लेता है, फिर बी टर्न राइट, बी क्या कर लेता है राइट ले लेता है, एंड ट्रेवल 2 मीटर 8 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये ए 2 मीटर चलेगा, ये बी 8 मीटर चलेगा, तो इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेते हैं, ये 8 मीटर है। अगेन बी टर्न लेफ्ट, ये आपके पास बी है, फिर यहाँ से बी क्या करता है लेफ्ट ले लेता है, अगेन बी टर्न लेफ्ट, तो यहाँ से बी लेफ्ट ले लेता है, और टेबल कितना करता है 4 मीटर फ्लोट बाद 5 मीटर टू इज टू रीच इज ऑफिस, उसके बाद 5 मीटर टू इज राइट, फिर यहाँ से वो राइट लेता है, ये 5 मीटर उसके बाद उसकी ऑफिस होती है। ए टर्न राइट एंड टेबल 12 मीटर, ए यहाँ से क्या करता है राइट लेता है, और कितना डिस्टेंस चलता है 12 मीटर चलता है। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपसे यहाँ से लेके यहाँ तक का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा, तो आप एक काम करो ना इसको इससे ज्वाइन कर दो, तो 8 to 10 और 10 + 5 कितना हो जाएगा 50, 12 है और ये कितना हो जाएगा 8, तो आपके पास देखिए 2 × 2 = 15 का स्क्वायर कितना, 2.5 + 8 = 64, तो यहाँ पे कितना आता है आपके पास 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो अगर ना बन रहा हो तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, आप एक छोड़ सकते हैं क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन ध्यान अगर ये रखें कि अगर इसमें आप ऐसा ना हो कि आप गलत करके आ जाए, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से माइंडली कंसर्न रहते हैं कि वो आपके माइंड को थोड़ा घुमाए इधर उधर करें, तो जरा ध्यान से देखिए पी एंड क्यू आर बोथ आर प्राइम नंबर, अगर वो प्राइम नंबर है तो ऑड तो होना ही है, होगा ही होगा, पी प्लस क्यू इज एन ऑड इंटीजर, P और प्लस क्यू जो है वो ऑड इंटीजर है, तो क्वेश्चन क्या है P प्लस क्यू इज पी क्यू एन ऑड इंटीजर, अच्छा दो ऑड नंबर जो होंगे वो अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो वो ऑड इंटीजर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन P प्लस क्यू भी दिया है, तो P प्लस क्यू कोई भी आप अगर आप नंबर जैसे ऑड इंटीजर का है वो अगर आप दो जोड़ने जाते हैं तो वो आपके पास क्या दे देता है इवन इंटीजर दे देता है, तो अगर पी क्यू पी क्यू एन ऑड इंटीजर पॉसिबल, इसका आपके पास पी प्लस क्यू का पॉसिबल नहीं है, इसको नीचे कीजिएगा, तो एस वन एंड एस टू आपके पास दोनों नेसेसरी है, क्यों एस वन प्लस एस टू नेसेसरी है, क्योंकि एस वन कंडीशन क्या बता रहा है कि पी और क्यू जो है वो प्राइम नंबर है, तो ये अपने पास एक कंक्लूजन आ जाता है, और एस टू इसलिए नेसेसरी है क्योंकि अगर पी क्यू प्राइम नंबर है तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एस ये बता सकते हैं कि पी क्यू ऑड इंटीजर है या नहीं है, तो अब अगर हमारे पास ये एस टू क्या आ गया कि पी प्लस क्यू क्या है ऑड इंटीजर है, तो अपने पास ये बताना है कि पी प्लस क्यू ऑड इंटीजर है कि नहीं, तो इसका आंसर क्या था नहीं था, लेकिन अपन ने इसके लिए किसको लिया दोनों को लिया ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज डेट ऑफ 2009, अच्छा अपन ने ये सोचा सुना है ना कि सेम कैलेंडर कब रिपीट होता है 11 या 6 ईयर के बाद, लेकिन 6 ईयर पे कंडीशन होती है, 6 ईयर पे क्या कंडीशन होती है, 6 ईयर पे कंडीशन होती है कि वो लीप ईयर के बाद वाला ईयर हो, वो क्या हो लीप ईयर के बाद वाला ईयर हो, लेकिन 2009 क्या है लीप ईयर के बाद वाला ईयर है, यस लीप ईयर के बाद वाला ईयर है, तो आपके पास मतलब इसके 2009 में अगर अपन प्लस 6 कर दे तो वो अपन को सेम कैलेंडर देगा, यस सेम कैलेंडर देगा, अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो होती तो क्या अपन जोड़ते प्लस 11 जोड़ते, लेकिन ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो अपन ने 6 जोड़ा और आंसर हमारे पास क्या आ गया 2015। आपको ये बात ध्यान पर रखनी होगी कि सेम कैलेंडर 11 ईयर या 6 ईयर के बाद रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में आप जरा ऑप्शन पे ध्यान दे के सॉल्व कर सकते हैं, इसको दोनों तरीके से है, इसमें क्या दिया हुआ है कि 136 को ऐड कर दो 5B7 से और सम जो है वो 7A3 आएगा, अच्छा जरा ध्यान से देखिए 6 + 7 क्या है 13 है, केरी 1 आ रहा है, 3 + B क्या है नहीं पता, 5 + 1 क्या है 6, तो आपको यहाँ पे केरी 1 जोड़ना पड़ रहा है, हाँ तो B की वैल्यू अगर अपन ने 2 या 5 रखूंगा तो 2 + 3 5 आएगा और 5 + 3 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे कैरी लेना है, तो आप यहाँ पे क्या ऑप्शन रख सकते हो या तो 7 रख सकते हो या तो 8 रख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी में, मैं पहले क्या रख देता हूँ 7 रख देता हूँ, तो जब मैं 7 रख दूंगा तो 7 6 13 17
7 3 10 1 11 5 7 7 30. तो देखिए 7 + 3 + 10 11 आ रहा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है. क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में आना चाहिए जो डिविजुअल कंडीशन है. तो आप फिर इस पे किस पे जाएंगे, 136 587 पे जाएंगे. 7 6 13 8 3 1 12 5 1 6 7. तो 7 + 3 क्या आ गया, 12. तो ये आ रहा है इसमें, यस. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा. सो आपके ये 80 क्वेश्चन थे. 80 क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे हर क्वेश्चन में एवरी क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से नहीं जा सकते. सोचना भी है, ट्रिक तो चाहिए चाहिए, लेकिन उसमें आपको क्या लगाना है, लॉजिक भी लगानी है माइंड की. कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो काफी टफ भी होते हैं, तो आप इसको एक नॉर्मल लेवल पे भी जाइए. कोई कोई क्वेश्चन टाइम टेकिंग मिलेंगे, तो जब अगर टाइम टेकिंग हो ना तो उसको रोक दीजिए, टाइम टेकिंग क्वेश्चन को बाद में कीजिए. आप पहले लॉजिकल और अपने ट्रिक के हिसाब से जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उसको कीजिए, और जब टाइम टेकिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, आराम से इजिली बाद में कीजिए. क्यों? क्योंकि फाइनल अगर आप करेंगे तो चलेगा, टाइम टेकिंग भी ज्यादा नहीं देगा, वो 1 to 2 मिनट रहेगा क्वेश्चन. आपने अभी देखा होगा शुरुआत के 2 या 3 क्वेश्चन सेट बी से थे जो काफी टाइम टेकिंग थे, और बीच में 1-2 क्वेश्चन, तो वो भी है. दूसरी बात, सी सेट के पेपर क्वालिफाइंग है. आप ये मत फॉलो कीजिए कि आपको 18 बनाने हैं, कोशिश जरूर रहे कि हम 80 ट्राई करें, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप वहां अपना बेस्ट दें. बेस्ट के साथ साथ ये भी, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है, तो इस क्वेश्चन को सही तरीके से लेके भी जाना है आपको और सॉल्व भी करना है. ओके, थैंक यू.